अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सिंपल सिलाई मशीन की मदद से एम्ब्रॉयडरी करना बताएंगे और साथ में हम कटवर्क भी बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें। सबसे पहले हम पेपर के ऊपर पैटर्न ड्रॉ करेंगे। और पत्ती के अंदर हम इस तरह से बना लेंगे। और सेम इसी तरह से हम छोटी साइज़ की फ्लावर भी ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद मैंने सारे पैटर्न काट लिए हैं। यहाँ पे मैंने बुकरम की चौड़ाई 7 इंच ली है और इसकी लंबाई अपने दामन के हिसाब से लेंगे। अब एक एक पैटर्न को हम इसके ऊपर रखकर इस तरह से ट्रेस करते जाएंगे। वीडियो में तो मैं आपको सारे पैटर्न ट्रेस करके दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और सेम उसी पत्ती को रखकर हम सिंगल पत्ती भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने सारे पैटर्न ड्रॉ कर लिए हैं और बीच में जो खाली जगह थी मैंने इसको भी फिल कर लिया है इस तरह से। अब ये हमारे पास सिल्क फैब्रिक है, हम इसको पेस्टिंग पेपर को इसके ऊपर रखकर हम प्रेस कर लेंगे। हम ये पतले वाले ऊन और नॉर्मल सिलाई के धागे से इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अगर आप चाहें तो पूरे ऊन से ही आप एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं। हमारे पास वाइट कलर का ऊन नहीं था तो हम इसलिए नॉर्मल सिलाई के धागे से पत्ती की आउटलाइन देंगे। इसीलिए मैंने 4 धागे को बॉबिन में एक साथ में फिल कर लिया है। ज़रूरी नहीं कि आप सेम यही वाला डिज़ाइन बनाएं, अगर आपको कोई और डिज़ाइन पसंद है तो वो भी बना सकती हैं। सिर्फ दिखाने का ये मकसद था कि आप किस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं और इसमें कटवर्क दे सकती हैं, वो भी नॉर्मल सिलाई मशीन से।
अब ये ऊन को मैंने बॉबिन में डबल करके फिल कर लिया है। ऊन से हम फ्लावर की आउटलाइन देंगे। हम इसी तरह से सारे बना लेंगे। अब इस डिज़ाइन की आउटलाइन देने के लिए मैंने बॉबिन में इन सेम कलर के धागे फिल कर लिए हैं, वो भी मैंने 4 धागे को एक साथ में किए हैं। अब ये देखें, मैंने सभी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लिया है। अब इसके किनारे की और इसके बीच की हम कटिंग कर लेंगे। और ये हमारी जम्पर की दामन बिल्कुल रेडी हो गई है और ये कितनी प्यारी सी लग रही है। आप इसे स्लीव के ऊपर या बच्चियों के फ्रॉक के ऊपर भी बना सकती हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।